नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिका। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। शुक्रवार को सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस दौरान सीएम ने रक्षा मंत्री से राज्य के विकास संबंधी विषयों सहित अग्निपथ योजना के बारे में चर्चा की। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को अग्निपथ योजना के संबंध में 20 जून 2022 को उत्तराखंड के समस्त जनपदों के पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित संवाद कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रम के दौरान समस्त पूर्व सैन्य अधिकारियों को अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा और युवाओं के लिए अनुकूल बताया गया। साथ ही अभी पूर्व सैन्य अधिकारियों ने अग्निपथ योजना के संबंध में अपने अपने सुझाव विचार भी व्यक्त किए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री से राज्य में सीमित संसाधन देखते हुए भारत सरकार से अब स्थापना विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी से मिले। सीएम ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष पैकेज के रूप में वित्त पोषण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। बता दें, साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से कुमाऊं में विरासत सर्किट और गढ़वाल मंडल में ऋषिकेश को एक इंटरनेशनल आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने विशेष पैकेज की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। वहीं कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़, चंपावत में धार्मिक गुफाओं का विकास, नैनीताल में कैंची धाम समेत ऐतिहासिक विरासत स्थलों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जबकि ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने की भी योजना है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी अब जनता के बीच जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अब हफ्ते में 2 दिन प्रदेश के प्रत्येक जिले का दौरा कर विकास कार्यों पर नजर रखेंगे और आम जनता से मुलाकात करेंगे। इसके लिए शुक्रवार और शनिवार के दिन निर्धारित किए गए हैं। हालांकि उनके ये दौरे कब से शुरू होंगे, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। फिलहाल सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं। एमके न्यूज की टेस्ट रिपोर्ट। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग काली मंदिर के समीप पिछले साल बरसात में धस गया था, लेकिन विभाग अभी तक मार्ग की मरम्मत नहीं करवा पाया है। इस साल भी बारिश का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड के अधिकारी अभी तक केंद्र सरकार को सिर्फ प्रस्ताव भी भेज पाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड के अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि ऐसे खतरनाक स्थानों को ठीक करने की जगह यात्रा सीजन में उनको तिरपाल डालकर ढक दिया गया है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंगों में शामिल दिव्य हिमालय में विराजमान भगवान केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ ने जहां यात्रा में रौनक बढ़ाई है, तो वहीं स्थानीय होटल लॉज व्यापारियों से लेकर बसों टैक्सी मालिकों ने भी अच्छी खासी आमदनी बटोरी। वहीं बढ़ती भीड़ के चलते प्रशासन को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में लगा रहा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देहरादून के चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान टूटने से यातायात 6 घंटे के लिए बाधित हो गया, जिसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया। आपको बता दें कि इस दौरान सड़क के किनारे वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसमें चार धाम यात्रा पर आए यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि काफी समय बाद पहुंचे सीमा सड़क संगठन ने जेसीबी की सहायता से राजमार्ग को खोलने का काम किया। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्य जग्गी बंगर के आगामी 27 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी कमलेश चंदोला ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान प्रत्याशी कमलेश चंदोला ने कहा कि उनके द्वारा जनता के बीच जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है, जिसमें उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने अभी तक बिना किसी पद के जनता के कार्यों को गिनाते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा उपेक्षाएं रहती है और हमेशा उनसे जनता करनी भी चाहिए उपेक्षाएँ जनप्रतिनिधियों से, और जनता मुख्य रूप से
लाइट पानी और बिजली की जो समस्या है, लाइट पानी और सड़क की जो समस्या है, वो मुख्य रूप से वही मुद्दे सामने आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ शौचालय को लेके और प्लस जो गरीब लोग हैं, कई लोगों पर कच्ची झोपड़ियां हैं, जो कि इस समय इस क्षेत्र में आंधी तूफान का बड़ा प्रकोप हो रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उत्तराखंड के काला ढूंगी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर बलिदान दिवस मनाया। काला ढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस समय कश्मीर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी बनाई थी, जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आई है। उस समय यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में ना होती। काला ढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही योग्यता और दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खोया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस केवल इस बात के लिए छोड़ी कि कांग्रेस ने देश के हित में निर्णय नहीं लिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर का प्रधान अलग होगा, झंडा अलग होगा, वहां का मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहेंगे, वहां का संविधान अलग होगा, तो इसका विरोध करके कांग्रेस छोड़ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र स्थित आईलेट के मैनेजर का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। आरोपियों ने अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने देर रात दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मैनेजर को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही अन्य दो अभियुक्तों को खटीमा से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों से मैनेजर से छीनी गई 94,000 की नकदी, दो नकली पिस्टल, एक कार और एक बाइक समेत 4 मोबाइल बरामद किए। 4 आरोपियों में 3 आरोपी यूपी और 1 आरोपी खटीमा का रहने वाला है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। परजीत सिंह हमारा मास्टरमाइंड था। परजीत सिंह ने पूरा कहानी हमें बताया, तो उसमें यह था कि परजीत सिंह को कोई और आईएलटीएस इंस्टीट्यूट से 15 लाख की नुकसान पड़ गई विदेश जाने के चक्कर में, तो उसका पैसा तो काफ़ी लॉस हो गया। उसको कवर करने के लिए इसने ये प्लान बनाया, कैंडिड में अपना फाइल भी लगवाया, कोचिंग के लिए एनरोल भी करा, 1 लाख रुपए का पहले 15,000 दिया, फिर बाद में 1 लाख रुपए का पैसा दिया कल। तो कल इनिशियल प्लान ये था कि 1 लाख रुपए देना है और बाकी साथियों के साथ सतवंत को बिठा के उस 1 लाख को लूट के ले जाना। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। गंगोत्री और यमुनोत्री के तट पर बसा उत्तराखंड वैदिक संस्कृति की विरासत को समेटे है। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के प्रदेश उत्तराखंड में है, इसलिए इस प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है। हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन उत्तराखंड के प्रमुख व्यापार हैं, जिन्हें सरकार भी बढ़ावा दे रही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी यही है। राजनीति परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की सबसे अलग भूमिका है। सरकार किसानों को बढ़ावा देने और हित में कई काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाला प्रदेश है, जिसकी हर खबर आप देखते हैं सच के साथ, सच की बात के साथ। के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी जिले में जिला अस्पताल पीपीपी मोड के तहत संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल को अब पहले की तरह संचालित करने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में प्रशासन मरीजों से अभद्र व्यवहार करते हैं, साथ ही यहां बेहतर उपचार मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसके विरोध में शहर के युवाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर के युवा नितिन रावत ने बताया कि अस्पताल में 108 सेवाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन अधिकतर की हालत खराब है।
ऐसे में मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए वह बाध्य होंगे। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पूर्व सरकार में इसका अनुबंध किया गया था, इस विषय पर विचार किया जाएगा, जो भी सही होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हम तो मुकदमे झेलने के लिए भी तैयार है, हम हॉस्पिटल में खुद ताला लगाएंगे और हम चाहते हैं कि पौड़ी की जनता को जब पीपी मोड में दिया था ये अस्पताल तो ये बोल के दिया गया था कि यहाँ की सेवाएं सुरक्षा स्वस्थ व्यवस्था बनाई जाएगी, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे बढ़िया तो पहले का अस्पताल। देखिए, पिछली सरकार ने इनको पीपी मोड पे दिया है और इसकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ और जो भी अच्छा होगा वो किया जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने PCPNDT के तहत जन्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम व आशा प्रोग्राम के आंकड़ों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि विकास खंड सही रिपोर्टिंग कर आंकड़े प्रस्तुत करें, साथ ही अल्ट्रासाउंड सेंटरों में मानक के अनुरूप कार्यवाही करें, इसको लेकर हर महीने टॉक शो भी करवाएं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी पंजीकृत सरकारी अस्पताल निजी सेंटर को अपने स्तर से बताना सुनिश्चित कर दें, जहां एक्टिव ट्रैकर डिवाइस नहीं लगे हैं या खराब हो चुके हैं उन्हें एक महीने के अंदर चेंज करें। वहीं गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत जन जागरूकता हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिला पंचायत अधिकारी संतोष खेतवाल, डॉक्टर किरण आशीष रावत सहित अन्य उपस्थित थे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। PNDT अधिनियम के अंतर्गत जो गर्भ लिंग निदान की जो तकनीकें होती हैं, सेंटर्स होते हैं जनपद में, उन सभी का पंजीकरण करवाया जाता है और इस तरीके से उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो ना करें, और गर्भ लिंग का जो अनुपात होता है उसके बारे में भी हम लोग जो है समीक्षा करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर खाद्य पूर्ति विभाग चर्चा का विषय बन गया है, जहां खाद्य आयुक्त द्वारा 6 जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया था, जिस पर BJP प्रवक्ता ने कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अधिकारियों को संबंधित मंत्री के संज्ञान में कोई भी कार्य लाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री और अधिकारी के बीच में तालमेल नहीं हुआ तो उस पर मंत्री को गंभीर एक्शन जरूर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री का काम अपने विभागों पर नजर रखना होता है और अगर बिना मंत्री को बताए कोई अधिकारी कार्य कर रहा है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, संवैधानिक परंपराएं हैं और एक काम करने का तरीका है, निश्चित रूप से संबंधित विभाग की मंत्री और अधिकारी में अगर किसी भी प्रकार की कहीं भी तालमेल की कमी अगर दिखाई देगी तो उस पर निश्चित रूप से मंत्री को एक्शन लेना चाहिए और मंत्री का काम है अपने विभागों पर पूरी नजर रखना। विकास खंड कोटाबाग के गुलजारपुर बंकी के लिए 27 जून को जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उपचुनाव होना है। विगत 10 महीने पूर्व गुलजारपुर बंकी की जिला पंचायत सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते जिला पंचायत सदस्य की ये सीट खाली पड़ी थी। जिला पंचायत सदस्य पद के उपचुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी श्याम चंद ने बताया कि उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 38 बूथ निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 17 ग्राम पंचायत के 21,314 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। काला ढूंगी से मुकेश छिवाल की रिपोर्ट। गुलजारपुर बंकी 18 सीट में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होना है और इसमें कुल मत जो है 21,314 हैं। प्रशासन की ओर से लगभग संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, लगभग पूर्ण कर ली गई है, केवल कार्मिकों का प्रशिक्षण होना शेष रह गया है। देहरादून कोरोनेशन अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में 30 जून से मरीजों को ICU की सुविधा मिलेगी, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में ICU और ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए
नए पद मंजूर करने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं बैठक में अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए गए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण लाभार्थियों में 100% बायोमेट्रिक माध्यम से न करने वाले 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के चालान काटे। प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं से 3,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला। वहीं सितारगंज पूर्ति निरीक्षक DS धामी ने बताया कि कार्य की समीक्षा निरंतर शासन स्तर, मंडल स्तर व जनपद स्तर पर की जा रही है व बायोमेट्रिक माध्यम से खाद्यान्न वितरण किए जाने की समीक्षा करने पर जनपद में तहसील स्तर पर कई विक्रेता चिन्हित किए गए हैं जिनके द्वारा संतोषजनक बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सितारगंज तहसील क्षेत्र में 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन के निर्धारित अत्यंत न्यून बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन किया गया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। मान में राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत सभी राशन डीलरों को, कार्डधारियों को जब राशन वो वितरण करेंगे तो बायोमेट्रिक का प्रयोग करना है। जिन राशन डीलरों के द्वारा बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम किया गया है उनके अगेंस्ट जिला स्तर पर कार्रवाई करते हुए 44 डीलरों पर जुर्माना किया गया है, प्रति डीलर 3,000 रुपये। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई है। ये आपत्ति नैनीताल के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजने और खाद्य आयुक्त के आदेश पर जताई गई। वहीं स्थानांतरण निरस्त कर करने के साथ ही उन्होंने आयुक्त का जवाब तलब किया। साथ में आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई को मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी मामले की जानकारी दी है। बताते चलें कि खाद्य आयुक्त सचिन कुर्बे ने बीते 20 जून को खाद्य मंत्री रेखा आर्या को बिना बताए नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने का आदेश जारी कर दिया था, जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए खाद्य आयुक्त की कार्रवाई को खेदजनक बताया। साथ ही खाद्य आयुक्त को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, किंतु खाद्य आयुक्त सचिन कुर्बे ने स्पष्टीकरण ना देते हुए 6 जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। खाद्य आयुक्त के द्वारा कुछ एक दो दिन पहले जनपद नैनीताल के DSO का ट्रांसफ़र करने का मामला मेरे संज्ञान में आया और संज्ञान में आने के साथ में निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य का विषय है कि आयुक्त द्वारा जो है अपने मंत्री से अनुमोदन न लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और साथ साथ में किसी प्रकार की कोई सहमति न लेना, यह भी अपने आप में बहुत चिंतनीय प्रश्न लगता है। तो इससे साफ दिखता है कि उसकी हठधर्मिता अपनी जगह पर बनी हुई है। देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। साथ ही इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं कौशिक ने कहा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, जिस कश्मीर के बारे में आज हम सोचते हैं या देखते हैं, आज कश्मीर से धारा 370 हटी, कश्मीर की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया और आज हम जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं या जिस कश्मीर को हम देखते हैं, अगर आज कश्मीर से धारा 370 हटी, 35 से हटी, तो उस समय की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस समय का। बदलते मौसम और स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने के कारण अब तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। मई के मुकाबले अब करीब 50% ही यात्री चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन अब चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आने से पंजीकरण में ढील दी गई है। अगर कोई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाए तो भी वह यात्रा पर आ सकते हैं, उनका मौके पर ऑफलाइन पंजीकरण हो सकेगा। MK न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस ने रेखा आर्य पर तीखा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने रेखा आर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर क्यों रेखा आर्य के अधिकारियों से नहीं बनती,
चाहे त्रिवेंद्र रावत रही या त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों या फिर पुष्कर धामी रहे हों। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रेखा आर्य और अधिकारियों का आपस में तालमेल नहीं रहेगा तो इसका खामियाजा विभाग की योजनाओं के साथ साथ वह तमाम लोग भुगतेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेखा आर्या की ही सभी अधिकारियों के साथ तनातनी हो जाती है, फिर चाहे वो त्रिवेंद्र रावत सरकार हो, तीरथ रावत सरकार हो या अब पुष्कर सिंह धामी सरकार। इससे पहले भी आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों के साथ किस तरह का उनका नूरा कुश्ती का दौर चल रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब नया प्रकरण है अपने ही आयुक्त से भिड़ जाने का, क्योंकि आयुक्त ने बिना मोहतरमा के या बिना मैडम के आदेश के 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया। चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे। पहले दिन सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने पीएम मोदी से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया है। बता दें कि सीएम धामी ने पीएम को शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मानस खंड मंदिर माला मिशन पर चर्चा की। सीएम ने कुमाऊं मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से मानस खंड मंदिर माला मिशन को स्वीकृति दिए जाने का भी अनुरोध किया। एमकेएन न्यूज से डेस्क रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के खिलाफ अब विरोध तेज होता जा रहा है। युवाओं के साथ अब राजनीतिक पार्टियां व क्षेत्रीय दल भी अग्निपथ को लेकर सरकार को घेरने में जुट चुके हैं। सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना के विरोध में अल्मोड़ा में आज युवा क्रांति समिति ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक होनी थी, लेकिन अनुमति नहीं होने के चलते पुलिस ने लोधिया बैरियर के पास यात्रा को रोक लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस व युवा क्रांति समिति से जुड़े कई युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने यात्रा में पहुंचकर युवाओं को समर्थन दिया। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जैसे कि देश में टीओटी लागू हो गया, हम उसके विरोध में, और जो हमारा 1.5 साल से रिटर्न बचा हुआ है वो सरकार अभी तक नहीं कराई है, तो उसके उसको जल्द कराने के विरोध में हम आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक। देखिए, आज तिरंगा यात्रा को लेके जो क्षेत्रीय स्तर पे कुछ लोग जो एक्टिव हैं तो उनके द्वारा निकाली गई थी, और ये यात्रा लोधिया बैरियर तक गई थी, और लोधिया बैरियर में उन्होंने खुद ही इसको समाप्त कर दिया था। शांतिपूर्वक ये यात्रा हमारी हुई है और वहीं से ही उनको फिर डिस्पर्स कर दिया था। हरिद्वार में आधार कार्ड के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र के सेवा केंद्र में आधार कार्ड अपडेशन के नाम पर कई गुना पैसा वसूला जा रहा है। मामले को लेकर गुरुवार को सिटकुल स्थित सलीमपुर चौक पर एक सरकारी सुविधा केंद्र का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्र संचालक 50 रुपए की जगह 300 रुपए मांग रहा है। बता दें कि ग्राहक अपने परिवार के 3 आधार कार्ड में बदलाव करवाने आया था, जिससे ग्राहक से 900 रुपए मांगे जा रहे हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। में लोगों को फैसिलिट करने के लिए जितना भी CSC और आधार सेंटर हमारे बने हैं, कुछ ब्लॉक में हैं, कुछ जो आधार सेंटर है कुछ बैंकों में है, और इसके अलावा जितने CSC सेंटर है, तो लोगों को फैसिलिट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर कुछ छोटी छोटी त्रुटियों को लेके या विद इन टाइम लोगों के अगर काम नहीं हो रहे हैं या किसी के द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो इसको प्रॉपरली चेक करवाया जाएगा रूटीन में, ताकि जो काम पब्लिक के वो अनावश्यक रूप से सफर ना करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।